आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। कान की कंपन, मस्तिष्क की कंपन, हृदय की धड़कन या पेट की आवाज। तो देखिए क्या होता है स्टेथोस्कोप। इसकी जो है कि स्टेथोस्कोप ये क्या है, देखो इससे जो है कि हम हृदय की धड़कन सुन सकते हैं, या हम बोल सकते हैं हृदय ध्वनियों को सुन सकते हैं। किसको? हृदय ध्वनिया, लव व डव जो हृदय ध्वनिया होती है उनको सुन सकते हैं। जो स्टेथोस्कोप है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी खोज की थी फ्रांस चिकित्सक रेते लेनेक ने इसकी खोज की थी। सन कौन सा? 1816 ईस्वी में खोज की थी। तो अब हम देखते हैं क्या बोला गया था। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। कान की कंपन, गलत। कान की कोई कंपन नहीं सुनी जाती, ना कोई कान की ऐसी कोई कंपन होती है। मस्तिष्क की कंपन, ये भी गलत है, कोई मस्तिष्क की कंपन नहीं सुनी जाती स्टेथोस्कोप से। हृदय की धड़कन, ये सही है। चौथा पेट की आवाज, ये भी गलत है, स्टेथोस्कोप से जो है कि पेट की आवाज भी नहीं सुन सकते। पेट की आवाज अगर कोई होगी तो वो जो है कि हमारे नॉर्मल कानों से भी सुनाई दे सकती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।